तो फ्री फायर वर्ल्ड सीरीज के बारे में मुझे नहीं पता, तुम्हें ये चीज पता है या फिर नहीं, लेकिन कल की बात है मुझे कहना कि एक और चीज पता चला वर्ल्ड सीरीज के बारे में। हाँ, हो सकता है ये चीज तुम्हें ऑलरेडी पता हो, लेकिन मुझे तो कल ही पता चला ना यार। देखो, इसमें तुम मेरा मजाक उड़ा लो, तुम कह लो यार कुछ भी कह लो, लेकिन मुझे कल ही पता चला लिटरली। देखो, ये चीज हमें पहले ही पता था कि यहाँ पर इंडिया को दो स्लॉट्स रहने वाले। लाइक हाँ, तुम मान सकते हो ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ था, बट उसके बावजूद कहना कि जो इंटरनल लीक्स निकल के आ रहे थे, लाइक वो लीक्स भी ऐसे भी थे कि वो श्योर शॉट लीक्स थे, लेकिन वर्ल्ड सीरीज के बारे में यार मेरे को ये चीज कल ही पता चला। तो बात कर लेते उस पर थोड़ा सा, लेकिन पहले मैं बता दूं कि ये जो सिस्टम होने वाला है इस बार, इसको देखते हुए मैं एक चीज कहूंगा यार, गरेना ई-स्पोर्ट्स की कॉम्पिटिटिव सिनेरियो को ग्रो करवाने के लिए बहुत कुछ कर सकती है। तो इस एक दो साल के पीरियड के अंदर जो हमें वर्ल्ड सीरीज देखने को मिले हैं, 2021 सिंगापुर वाला और 2022 बैंकॉक वाला, उसके अंदर सीन कुछ ऐसा था कि यहां पे अगर मैं तुम्हें दिखाने को जाऊं, अगर हम बात करूं यहां पे स्लॉट लिस्ट के बारे में, तो फाइनल्स के अंदर टॉप 9 टीम तुम्हें देखने को मिल रहे थे जो कि अपने अपने रीजन के ऑफिशियल टूर्नामेंट्स के चैंपियंस थे, एंड उनको यहां पे फाइनल्स का स्लॉट मिल रखा था। यानी कि टॉप 9 टीम तो ऑलरेडी फाइनल में अपनी जगह बना चुकी थी, लेकिन पे अलग जो टीम्स यहाँ पे निकल के आ रही थी वो प्लेन्स में खेलते थे, एंड प्लेन्स से तीन टीम कहीं ना कहीं क्वालिफाई होकर जाते थे, मतलब 9 टीम प्लेन्स से क्वालिफाई होकर जाते थे तुम्हारे फाइनल्स के लिए, फिर जाके 12 टीम के बीचों में फाइनल वाला मैच होता था, वो खेला जाता था। तो वही सेम चीज फ्री फायर वर्ल्ड सीरीज 2022 बैंकॉक के अंदर भी हमें यहाँ पे देखने को मिला था। वहां पे थोड़ा सा सिस्टम यहाँ पे चेंज हुआ, एंड यहाँ पे फाइनल के अंदर तुम्हें 8 टीम देखने को मिल रही थी जो अपने रीजन के रेस्पेक्टिव टूर्नामेंट जो भी उनके ऑफिशियल टूर्नामेंट था वहां से चैंपियन निकल के आई थी। तुम देख सकते हो यहाँ पे वीवो किड्स, यहाँ पे फ्री बल्लिका ब्राजीलिया से चैंपियन बनकर निकल के आई थी, आई मीन लैटिनो अमेरिकन लीग लैटिनो अमेरिका, तो वहां से इग्निस स्पोर्ट्स निकल गए थे। तो कहना कि यहाँ पे निकमा गैलेक्सी वैसे भी यहाँ पे प्रो लीग थाईलैंड से निकल गए थे, तो कहना कि वैसा ही सीन था यहाँ पे। प्लेन्स के अंदर 9 टीम तुम्हें देखने को मिल रही थी जिसके अंदर से टॉप 4 टीम्स कहना के फाइनल के अंदर अपनी जगह बनाते। लेकिन वही पे अगर मैं बात करूं फ्री फायर वर्ल्ड सीरीज 2023 के बारे में, तो इसके अंदर भी तुम्हें सेम सिनेरियो कतई नहीं देखने को मिलेगा। तो इस बार का सिनेरियो काफी चेंज है, और यहाँ पे अगर मैं पार्टिसिपेंट्स के ऊपर जाऊं तो यहाँ पे तुम्हें ओवरऑल 18 स्लॉट देखने को मिलेंगे। ना यहाँ पे फाइनल्स का कोई सीन है, ना यहाँ पे प्लेन्स का कोई सीन है। अब जैसे यहाँ पे धीरे धीरे एक एक रीजन से यहाँ पे कुछ ना कुछ टीम्स यहाँ पे निकल आ रहे हैं, जस्ट लाइक यहाँ पे ब्राजील से तीन टीम निकल के आई है, वहीं अगर मैं बात करूं लैटिन अमेरिका से एक टीम निकल के आई है, वहीं अगर मैं बात करूं पाकिस्तान से हॉटशॉट ई-स्पोर्ट्स निकल के आई है, मिया लीग से एक और वॉस्क निकल के आई है। तो कहना कि यहाँ पे और जो बाकी दो स्लॉट्स है वो तो टू बी डिसाइडेड अभी भी तुम्हें देखने को मिल रहा है, वो अगर अपना गेम टाइम से आ गया और अपना एफएफआई से टाइम से कंप्लीट हो गया तो शायद तुम्हें कुछ खुशखबरी देखने को मिल सकती है, वरना फिर भूल जाना बेटर रहेगा। खैर, वो अभी के लिए टॉपिक है नहीं, जब कोई पक्का न्यूज आएगा तब मैं बताऊंगा। लेकिन यहाँ पे तुम देख ही सकते हो अपने अपने रेस्पेक्टिव टूर्नामेंट से टीम से निकल के आएंगे। चलो मैं तुम्हें यहाँ पे सीन समझाता हूँ। तो देखो, यहाँ पे सीन ऐसा है कि जो स्लॉट्स हैं वो कहना कि यहाँ पे तुम्हें अगर नजर डालो यहाँ पे ब्राजील के यहाँ पे तीन स्लॉट ब्राजील को गए, लैटिन अमेरिका यानी कि लैटम रीजन को तीन स्लॉट उनको भी गए, थाईलैंड को तीन स्लॉट गए, इंडोनेशिया को दो स्लॉट गए, वियतनाम को भी दो स्लॉट गए, मलेशिया कोलंबिया जो भी हो यहाँ पे एमसीपीएस वाला जो रीजन है उसको भी यहाँ पे एक स्लॉट गए, पाकिस्तान को एक स्लॉट गए जहाँ पे हमें हॉट से डी स्पोर्ट्स देखने को मिल रही थी, मिया रीजन को भी यहाँ पे एक स्लॉट मिला हुआ है, मिया से भी एक टीम हमें वस्क जो यहाँ पे निकल के आती हुई देखने को मिली थी, और यहाँ पे भी लिखा हुआ है दो स्लॉट्स कहना कि यहाँ पे बाद में अनाउंस करे जाएंगे, खैर अभी के लिए उसको साइड में रखते हैं। नजर डालो तुम इस वाले पर्टिकुलरली इस फॉर्मेट के ऊपर, यहाँ पे तुम्हें देखने को मिल रहा होगा यहाँ पे ग्रुप ए पे 6 टीम रहेगी, ग्रुप बी पे 6 टीम रहेगी, ग्रुप सी पे भी 6 टीम रहेंगी। अब तक तुम्हें समझ में आ गया होगा, या फिर तुम्हें अगर पहले से पता है तो अच्छी बात, मतलब 18 टीमें ग्रुप स्टेज के अंदर कम्पीट करेंगे, मतलब यहाँ से तो कम्पीट करके निकल के जाएंगे वहां भी जाके क्वालिफाई होने के लिए कम्पीट करेंगे ग्रुप स्टेज के अंदर, या तो उनका रॉबिन राउंड होगा या फिर कैसे क्या खेला जाएगा इसका मुझे अंदाजा नहीं है, लेकिन हाँ उन 18 टीम से 12 टीम्स कहना के निकल के जाएंगे तुम्हारे ग्रैंड फिनाले के लिए। वैसे अगर मैं कहने को जाऊं तो ये काफी बढ़िया सिस्टम है, काफी ज्यादा कॉम्पिटिशन तुम्हें और हाई देखने को मिलेगा, क्योंकि जो टीम हमें चैंपियन बनती थी अपने अपने रीजनल टूर्नामेंट के अंदर, अपने अपने रीजनल ऑफिशियल टूर्नामेंट के अंदर, वो कहना कि फाइनल्स का एक स्लॉट अपना पूरा पूरा ग्रैब करके बैठते थे, लेकिन अभी कंपटीशन और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। भले ही आपने अपने रीजन के अंदर चैंपियन बने हो नहीं बने हो कोई मैटर नहीं करता, आपको कहना कि यहाँ पे वर्ल्ड सीरीज के अंदर क्वालिफाई होके ही ग्रैंड फिनाले में अपना स्लॉट बनाना पड़ेगा। देखो, मुझे इस बात का पूरी तरीके से अंदाजा नहीं है कि स्लॉट हमारे इंडिया रीजन को रहेंगे नहीं रहेंगे, अभी के लिए यार देखो सिचुएशन थोड़ी सी डोल मटोल रही है, लेकिन फिर भी अगर हम वर्ल्ड वाइड इस वर्ल्ड सीरीज की बात करें तो वर्ल्ड सीरीज के अंदर काफी ज्यादा मजा आने वाला है, क्योंकि ग्रुप स्टेज के अंदर तुम्हें बहुत और ज्यादा तगड़ी कंपटीशन यहाँ पे देखने को मिलेगी। और साथ ही साथ अगर मैं कहने को जाऊं तो वैसे कहना क्या है, ऑलरेडी मैंने कह रखा है भाई, गरेना कॉम्पिटेटिव सिनारियों को यहाँ पे और ज्यादा बूस्टअप कर रही है और ज्यादा उनके ऊपर काम कर रही है, जो कि जाहिर सी बात है काम की भी चीज है एंड ये होनी भी चाहिए। वैसे गरेना के इस डिसीजन के ऊपर आपका क्या ओपिनियन है डेफिनेटली मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताना, और बाकी इस वीडियो को यहीं पर रैपअप करते हैं। उम्मीद है तुम्हें वीडियो अच्छी लगी होगी। बाय द वे, मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर, सो टिल देन गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत।